हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको ये ब्यूटीफुल लेस स्टार्ट करना बताऊंगी। बहुत सुंदर लगती है ये। इसके लिए मैंने ये बॉल यूज़ किए हैं डोली का 8 नंबर 3116। तो 20 नंबर थ्रेड ही होता है ये। तो दोनों शटल में मैंने थ्रेड भर लिया है। और देखिए, पहले ये रिंग बनाएंगे, फिर चेन, फिर अंदर वाले दो रिंग बनाने हमें इकट्ठे ही, और फिर चेन वाले थ्रेड से ही हमने इसके चारों तरफ चेन से इन रिंग को सराउंडेड कर देना है। तो इसके बाद फिर चेन, फिर रिंग, फिर चेन, फिर अंदर वाले दो रिंग, फिर उसे कवर करना है चारों तरफ से चेन वर्क से। तो इसी तरह ये चेन बनती जाएगी। और ये देखिए, ये मैंने एक रिंग यहाँ बना रखा है, तो कॉन्टिन्यूशन में है ये लेस। और समझ लीजिए, ये पहला रिंग है। पहले रिंग के मेजरमेंट हैं 7 डबल स्टिचेस पिको 3 डबल स्टिचेस पिको और 7 डबल स्टिचेस। तो ये सिंपल सा एक रिंग सबसे पहले बना लेना है। तो सपोज़ ये मैंने पहला रिंग बना लिया है, तो फर्स्ट रिंग बनाने के बाद हम रिवर्स करेंगे वर्क को, और फिर हमने यहाँ चेन बनानी है। चेन बनाएंगे हम 12 डबल स्टिचेस पिको 12 डबल स्टिचेस की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उसके बाद एक पिको देंगे, फिर 12 डबल स्टिचेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो ये 12 डबल स्टिचेस लेके स्टिचेस टाइट कर लेने हैं। और रिवर्स वर्क नहीं करना है यहाँ पे हमें। अब यहीं पे हमने फिर थ्रेड चेंज करके दूसरे शटल से हमने यहाँ पे दो रिंग इकट्ठे ही बनानी है, बिना ज्वाइन किए आपस में। तो 10 डबल स्टिचेस पिको 10 डबल स्टिचेस ये मेजरमेंट होंगे इसके। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पिको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये 10 डबल स्टिचेस लेके यहाँ भी हमने ये रिंग बना दिया है। अब यहाँ पे दूसरा रिंग बनाना है। उससे पहले हमें एक डबल स्टिच जितना गैप हमने इसमें छोड़ना है। 7 तो बनाना है, लेकिन हल्का सा गैप यहाँ छोड़ेंगे। और फिर हमने 10 डबल स्टिचेस पिको 10 डबल स्टिचेस लेके ये दूसरा रिंग कंप्लीट करना है। देखिए, ये रिंग कंप्लीट हो गया। अब यहाँ रिवर्स करेंगे दोनों रिंग अपनी साइड पे लेके, फिर शटल वाला जो थ्रेड है वो अपने हाथ ले लेना है, और चेन को टाइटली पकड़ के ये धागा खींच देना है। इजीली फिर ये अपने हाथ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हम चेन बनाएंगे। तो यहाँ लेंगे हम 9 डबल स्टिचेस सबसे पहले। 1 पास में बिल्कुल स्टिच लेंगे यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, दो रिंग बनाए ना हमने इकट्ठे। तो 9 डबल स्टिचेस लेंगे। 4 फिर इसके बाद पिको लेंगे एक,
फोर डबल स्टिचेस, थ्री फोर। अब फोर डबल स्टिचेस लेके हमने ये जो पहला रिंग हमने बनाया है ना, उसके पिको से हमने ज्वाइन करना है। सिंपली लूप में से शटल पास कर देना है। हर ज्वाइनिंग से पहले चेन के स्टिचेस टाइट कर लेने हैं। इसके बाद थ्री डबल स्टिचेस, और अब हमने ये दो रिंग जो बनाए हैं पहले वाले रिंग से हमने ये ज्वाइन लगाना है। शटल वाला थ्रेड उठा के उसके नीचे से क्रोशे हुक पास करनी है, और चेन वाला थ्रेड हमने इस पिको में से लेके आना है, लूप बनाना है और उसमें से शटल पास करना है। और इसको खींच के ना शटल वाले थ्रेड को ये वाइट वाला स्टिच ऊपर लाना है हमने। ध्यान से आपने ये देखना है कि वही वाला थ्रेड ना यहाँ रह जाए, नहीं तो चेन का वर्क जो कॉन्टिन्यूस नहीं रहेगा। इसके बाद फोर डबल स्टिचेस लिए हमने, फिर पिको, फिर फोर डबल स्टिचेस, टू थ्री फोर, फिर यहाँ पे एक पिको, और नाइन डबल स्टिचेस लेने हैं यहाँ। और इससे अभी एक रिंग यहाँ कवर होगा। देखिए स्टिचेस टाइट कर लेने हैं, और जो हमने थ्रेड गैप छोड़ा था दो रिंग्स के सेंटर में, वहाँ से हमने फिर ये शटल वाला थ्रेड ऊपर उठा के नीचे से हमने ये चेन वाला थ्रेड लेके आना है, लूप बनाना है, और इस तरह से हमने ये खींच के ये वाइट वाला ही ज्वाइन ऊपर आना चाहिए। फिर यहाँ पे अब दूसरा रिंग कवर करना है। तो जैसे जैसे हमने स्टिचेस लिए हैं पहला रिंग कवर करने में, इसमें उल्ट लेंगे। अब पहले सबसे पहले हमने नाइन स्टिचेस यहाँ पे ले लिए हैं, इसके बाद फोर डबल स्टिचेस लेंगे, फिर पिको, फिर फोर डबल स्टिचेस, स्टिचेस टाइट कर लेने अच्छे से, नाइन फोर फोर ये यहाँ पे नाप लेके, फिर यहाँ हमने अब दूसरे रिंग के पिको से फिर वैसे ही शटल वाले थ्रेड के नीचे से क्रोशे हुक लेके जानी है, और वो चेन वाला थ्रेड खींच के लाना है, और इस पिको में से निकालना है, लूप बनाना है, उसमें से हमने शटल पास करना है। देखिए ये वाइट वाला ये वाला स्टिच ऊपर आना चाहिए, शटल वाले थ्रेड को खींच के एडजस्ट करना है। फिर इसके बाद थ्री डबल स्टिचेस लेंगे, एक पिको, फोर डबल स्टिचेस, फिर पिको, और लास्ट में नाइन डबल स्टिचेस लेने हैं। और स्टिचेस टाइट कर लेने हैं, ये सारे स्टिचेस ले लिए। अब दूसरा रिंग कवर करने लगे हैं, तो इसको हमने ज्वाइन करना है बिल्कुल जहाँ से पिछली चेन आ रही है, यानी कि इस रिंग के बेस में स्पेस होती है, और फिर वैसे ही ठीक इसको ज्वाइन करना है। और यहाँ आप शटल पास कर देंगे, और शटल के थ्रेड को खींच के एडजस्ट कर लेना है हमने ये थोड़ा। अब इसके बाद रिवर्स करना है इस वर्क को, दूसरी चेन बननी है, तो रिवर्स कर दिया, और अब ये शटल अपने हाथ ले आएंगे। तो यहाँ पे अपने चेन बनानी है, फिर वही 12 डबल स्टिचेस, पिको 12 डबल स्टिचेस। तो हमारा मेन जो मोटिफ है ना, टू रिंग्स का, अनियन रिंग्स बेसिकली हमने बनाई है, टू अनियन रिंग्स टुगेदर, टू रिंग बना के उसको हमने चेन वर्क से कवर किया, तो वही हमने रिपीट करना है अब। तो ये देखिए 12 डबल स्टिचेस ले लिए, फिर पिको, फिर 12 डबल स्टिचेस लेके ये चेन कंप्लीट करनी है।
और स्टिचेस टाइट कर लेने हैं। अब ये चेन बना के फिर रिवर्स करना है हमें वर्क सारा। अब फिर वो छोटे वाला रिंग, जो फर्स्ट रिंग जो होता है ना हमारा, वो बनेगा। तो अब ये मैं ज्वाइन भी करना बताऊंगी। तो 7 डबल स्टिचेस लेंगे, और ये देखिए जो हमने पीछे चेन कवर की हुई है, पहला पिको छोड़ के दूसरे पिको से हमने इसे ज्वाइन करना है। इसके बाद 3 डबल स्टिचेस, फिर पिको और 7 डबल स्टिचेस लेंगे, 4, 5, 6, 7। तो ये स्टिचेस लेके रिंग कंप्लीट कर देना है। तो इसी तरह ये सारा आगे हमने कंटिन्यू करना है। तो देखिए ये रिंग बन गया। इसके बाद हमें फिर पैटर्न को आगे टुगेदर रिंग वाला हमने मोटिव बनाना है। तो इसके बाद चेन बनानी है, चेन के बाद फिर यही फूल बनेगा हमारा दो पत्ती वाला। तो इसी तरह ये सारा पैटर्न बनता जाएगा, और आई होप आप भी बना पाएंगे इसे अच्छी तरह। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।